Hello dear students, welcome to class 5. Today we have to learn prime factorization and co-prime numbers. In the previous video, we learned about the prime numbers, composite number, what is the difference between factors and multiples. So let's start today's topic. Today's first topic is that prime number. Prime number kya hote ho hume dekhna hai. So look at the definition. Every composite number can be express as the product of its factors. When all the factors are prime, it is called as a prime factorization. क्या बोले उन्होंने? किसी भी composite number को हम prime numbers के form में express कर सकते हैं. अभी देखने prime numbers आने के लिए. Prime numbers आने क्या होता था? The number which has only two factors, that is one and the number itself. And the composite number means the number which has more than two factors. जिसके दो से ज़्यादा factor निकले वो number क्या होते थे? Composite numbers होते थे. और देखा था हमने प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर थे? प्राइम नंबर्स जैसे कि 2, 3, 5, 7, दीज आर द प्राइम नंबर्स. उसी का हम एग्जांपल लेके देखते हैं. कुछ एग्जांपल नंबर 1 इज फॉर इज दैट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72. नाउ 72 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर. वो नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है. जैसे हमने डेफिनेशन बोले एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम देन इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. जब उसके सभी फैक्टर्स प्राइम हो जाएंगे तब उसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन. सो नाउ हियर 72 इज अ कंपोजिट नंबर. उसके हम फैक्टर्स निकालने इन सॉल्यूशन 72. अभी देखना हमें 72 किस किस टेबल में आते हैं वो देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए. सबसे पहले 72 कब आता है? 8 9 जा 72 होता है. अगेन 9 8 जा 72, 12 6 जा 72 एंड 36 2 जा 72. तो अभी हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे. सो वी कैन राइट 72 इज इक्वल्स टू 8 इनटू 9. 8 9 जा 72. हमने फोर से मिले 8 9 72 लिया. अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में. फर्स्ट 8 जो है किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देता है? 2 4 जा 8 एंड 2 इज अ प्राइम नंबर. तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. दैट इज 8 इज रिटन एज 2 इनटू 4 देन मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर इज 9. 9 किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है? 3 3 जा 9. सो राइट हियर 3 3 जा 9. अभी देखो इसमें 2 3 3 ये नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है. पर एक नंबर बचा है 4. 4 इज अ कंपोजिट नंबर. हमें कब तक उसको एक्सप्रेस करना है? जब तक हमें टोटली प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाए. तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इनटू 2. सो राइट द अदर नंबर दैट इज सिर्फ हम फोर्थ के फैक्टर लेंगे. सो फर्स्ट 2 राइट डाउन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 इनटू 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Now check all the numbers are prime numbers. सभी numbers क्या अभी prime numbers है. इस तरह से हमने 72 को क्या किया? prime numbers के form में express किया. तो इसका multiplication कर देते हो वो सही होता है नहीं है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 and 24 3 जा 72. That means जो हमारा प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? सही है. तो इसी को हम अरेंज करेंगे इन डिफरेंट वे. हमने क्या आपके तीन नंबर्स लिए यहां पे 8 9 जा 72 लिया है, 12 6 जा 72 लिया है, नेक्स्ट इज अ 36 2 जा 72. सो फर्स्ट वी टेक हियर 8 9 जा 72. 8 9 जा 72 को हम सॉल्व करेंगे. इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको बोलते हैं हम फैक्टर ट्री. क्या बोलते हैं? दिस अरेंजमेंट आर आल्सो नोन एज अ फैक्टर ट्री. क्या बोलते हैं हम? फैक्टर ट्री. तो चलो 72 का फैक्टर्स कौन से होंगे? डायरेक्टली हम बोल सकते किस टेबल में आता है वो? 8 9 जा 72. आपको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना है? यहां पे मैंने तीनों नंबर्स के आपको फैक्टर्स फाइंड करके दिखाऊंगा. आपके लिए जो नंबर इजी होता है, जो आपको नंबर लगता है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, उसको ले लीजिए. उसको फैक्टर ट्री आप ड्रॉ कर सकते हो. इफ यू हैव क्वेश्चन लाइक फाइंड आउट द फैक्टर ट्री, फर्स्ट वी टेक हियर 72 इज इक्वल्स टू 8 9 जा 72. अभी जैसे हमने ये किया इसी को हम सॉल्व करते हैं. क्या है? 8 के फैक्टर्स कौन से निकलते हैं? 2 into 4. सो राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 8 आर
टू मल्टीप्लाइड बाय फोर। यहाँ पे इसको ऐसे स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉक्स करने की फैक्टर नहीं करते, टू को सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे, बट फोर के फैक्टर्स निकलते हैं इसलिए हम फोर को लिखेंगे सर्कल में। जिसका मैंने फैक्टर निकलता उसको सर्कल में निकल, जिसको नहीं निकलते उसको एडजस्ट लिख सकते हैं हम। नाउ टू फोर का एट के फैक्टर देन 90 फैक्टर, 90 फैक्टर्स कौन से होंगे, 3 3 9, तो ये इसके आगे देख लेंगे, इसको भी हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे 3 3 9। नाउ राइट द नंबर्स, फर्स्ट टू एज इट लाएंगे नीचे, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन लिया हमने, फैक्टर्स ऑफ 4 आ, 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, अब लिया था हमने 4 का फैक्टर्स आ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एज इट इज, अगेन 3 एज इट इज। चलो सॉल्व कर देखते हैं इट इज करेक्ट और नॉट, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24 एंड 24 थ्री जा 36। तो हमने जो 72 प्राइम का अपोजिट नंबर था उसको हमने एक्सप्रेस किया है प्राइम फैक्टर्स में, इस तरह की जो अरेंजमेंट उसको बोलते हैं हम फैक्टर ट्री। सेकंड हम 72 के फैक्टर ट्री ड्रॉ करेंगे बट बाय यूजिंग अनदर नंबर दैट इज 12 × 6, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो फर्स्ट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, किन दो नंबर से मल्टीप्लिकेशन 12 आता है, 2 6 जा 12 आता है, तो 2 की स्क्वायर फैक्टर निकलेंगे तो इसको हम सिंपली डायरेक्ट 2 लिख लेंगे, देन 6 के फैक्टर्स निकलते हैं कौन से होते हैं, 2 3 जा 6। उसके बाद देखिए 2 तो आज ही जाएंगे फिर इसके फैक्टर निकलते नहीं, फिर 6 के फैक्टर निकलते कौन से होते हैं, 2 × 3 एंड दिस 2 एंड 3 एज इट इज। चलो इसको भी हम सॉल्व कर देखते हैं, 36 से फैक्टर निकलता है कौन सा होता है, 2 × 18, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। आफ्टर दैट 2 के फैक्टर निकले, इस 2 के फैक्टर निकले, 18 के फैक्टर्स निकलते हैं, तो हम जो 2 है वो आज लिख लेंगे एरो करके नेक्स्ट लाइन में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 18 के फैक्टर से होंगे 2 9 = 18, सो राइट हियर 2 एंड हियर इज 9, देन अगेन 2 2 as it is and 2 as it is multiplied by factors of 9 are it is 3 × 3, ये क्या है 3 × 3। so check इसके में हम check करके देखते हैं, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 24 and 24 × 72। तो आप इतने सभी इसमें एग्जाम में दिखाऊंगा, जिस भी नंबर के हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो सभी क्या आ रहे हैं, उसका एग्जैक्ट हमें वो नंबर मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेम नंबर हमें फॉर्म हो रहा है, दैट मींस जो हमारा डिफरेंस वो यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इट्स अ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, जैसे हमने करके देखा यहां पे 8 9 जा उसके प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी निकले 12 6 जा लिया उसके भी प्राइम फैक्टर निकले एंड 236 प्लस के भी प्राइम फैक्टर निकले। बट एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया इन सभी में, देखो सभी के अगर आप प्राइम फैक्टर देखते हो तो आपको एक जैसे दिख रहे, देखो 1 2 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, अगेन 1 2 3 3 टाइम्स 2 है एंड 3 जो है वो 2 टाइम्स है, सेम हियर 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3। इसमें आपको एक बात नजर आएगी कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक, जो हम प्राइम फैक्टर निकले किसी भी नंबर को करेंगे यूनिक रहेगा, यानी कि एक जैसा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी नंबर लो बट उसका जो प्राइम फैक्टर क्या रहेगा यूनिक, यानी कि एक जैसा रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वी टू लर्न इज दैट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अभी देखने वाले हैं। So what is the definition of co-prime number? Two prime numbers which have no common factor other than one are called co-prime number. ऐसे दो नंबर जिन दो नंबर में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होगा, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा,
उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर. सो लेट्स सी बाय टेकिंग सम एग्जांपल. क्वेश्चन इज फॉलोइंग लाइक दैट. चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर और नॉट. सो फर्स्ट हमने लिया है 5 and 12, या मैं चेक करना है कि वो को प्राइम नंबर है या नहीं है. सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स. फर्स्ट 5 के हम फैक्टर निकालेंगे. 5 के फैक्टर क्या होंगे? ऑलरेडी समझ में दैट फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. दैट मींस 1 × 5. देन अगेन 5 किस टेबल में आता है? 5 टेबल में आता है. सी दैट इज 5 ones are 5. So therefore factors of 5 are 5 के फैक्टर्स कौन से होंगे फिर? 1 and 5. नेक्स्ट 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज 1 × 12, 1 × 12. नेक्स्ट और किस टेबल में आता है 12? 2 6 are 12, that is 2 × 6. Next, 3 4 are 12, that is 3 × 4. After that, 12 factors कौन से होंगे? 3 के डबल में होने के बाद में क्या आएंगे? 4 के डबल में आएंगे, that is 4 3 are 12. 4 के बाद कब आएंगे वो? 6 के डबल में आएगा, 6 2 are 12. After 6, 7 8 9 10 किसे भी नोट डायरेक्ट किसमें आएंगे? 12 के डबल में, that is 12 ones are 12. अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12. टोटल फैक्टर्स होंगे, एक साइड से कोई भी ले लीजिए, ये इधर के ले लिए हमने और इधर के नंबर्स ले लिए. सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, कौन से कौन से फैक्टर्स 12 के? 1 2 3 4 6 and 12. देखो हमने कि जो भी फैक्टर्स तो करना सिर्फ लास्ट वाले नंबर होगा उसको आपको एंड करके लिखना है, कॉमन करके नहीं लिखना है. हमने दोनों के नंबर के फैक्टर निकाले. अब क्या करना है? उन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा वो चेक करना है. देयरफॉर कॉमन फैक्टर बिटवीन कौन से दोनों के चेक करना है? 5 and 12 इज. देखो दोनों नंबर के फैक्टर में कौन सा नंबर कॉमन है? फर्स्ट 1 दिख रहा है हमें, और कोई नंबर कॉमन है क्या? नहीं है. तो कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 12 इज 1. और हमने देखा है डिफरेंस में द टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर. ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर निकलेगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर. हेंस क्या बोलेंगे फिर? 5 and 12 are co-prime number. अरे हमें क्या पता, इस समय क्या पता चलता है कि जो 5 और 12 वो क्या है? co-prime number. क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा निकला है? 1 लिखना है. That's why it is a co-prime number. Suppose अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 निकला है, अगर सपोज यहाँ पे 2 भी कॉमन निकला, 3 भी कॉमन निकलता, तो कोप्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता. जिसमें 1 को छोड़ के 1 तो कॉमन फैक्टर रहेंगे, बट 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर उसमें कॉमन नंबर्स आते हैं तो वो नंबर्स क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे. तो उसमें आप लिख सकते हो कॉमन फैक्टर्स कौन से है उसमें के, वो लिख लेना पूरे और सेंटर में. तो हेंस जो नंबर है वो लिखना, अगर उसके 1 को छोड़ के बाकी फैक्टर्स आते होंगे तो आपको लिखना है हेंस द गिवन नंबर आर नॉट कोप्राइम नंबर. सो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. I hope you enjoy the video. Thank you guys. Have a good day.